ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग का तांडव करनाल के सेक्टर 3 के इलाके में, जो इलाका ये पुराने नई अनाज मंडी के पास पड़ता है। और आप देख सकते हैं धुएं का गुब्बार। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं और लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं आग थमने का नाम नहीं ले रही है और एक के बाद एक आपको पटाखों की आवाज सुनाई दे जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और छत से हम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं धुएं का गुबार है, आग है और लगातार ये आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। पटाखों की आवाज आपको लगातार सुनाई दे रही होगी क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है, जो सामान है, अभी भी पड़ा हुआ है। कब आग लगी? आधे घंटे हो गया, आधे घंटे से लग रहा है। किस चीज की कंपनी है, कहाँ पर है? अभी तो केमिकल है, कंपनी भूल गई। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऑपरेटर कुछ कार्रवाई कर रहा था, मैकेनिकल आए हुए थे कार रिपेयरिंग के लिए, तो बस अचानक से कोई स्पार्किंग हुई है काफ़ी ज़्यादा। तब तक सिलेंडर वगैरह लेने के लिए भागे हैं, तब तक तो काफ़ी काम बढ़ चुका था। फायर वाले बुलाए, एक गाड़ी चल रही है, एक चल नहीं रही है, मतलब परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, सारा डिपार्टमेंट अंदर ही था, सारे एकदम से भागे हैं नीचे, एकदम ब्लास्ट होने स्टार्ट हुए क्योंकि थिनर पड़ा हुआ है जो साफ करते हैं क्लिनिक के लिए। क्या सामान बनता है यहाँ? सामान यहाँ पे रैपर बनते हैं, कोई मेडिसिन की जो पीछे का रैपर होता है ना, उसकी प्रिंटिंग होती है। तो प्रिंटिंग प्रेस है मतलब? हाँ, यहाँ पे जो ब्लिस्टर जो मेटेरियल है ना, वो सारा आग पकड़ने वाला ही है, मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ गई है। प्रिंटिंग प्रेस ये? हाँ, प्रिंटिंग प्रेस है ये, बेल प्रिंट के नाम से कंपनी है, पल्ले वाली निचले है। तो आप देख सकते हैं धुएं का गुबार है और लगातार जो आग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कर्मचारी इसी के अंदर थे जब इस फैक्ट्री में आग लगती है। प्रिंटिंग प्रेस की ये फैक्ट्री बताई जा रही है, मेडिसिन की जो रबड़ है उसकी प्रिंटिंग वगैरह होती है यहाँ पर। और फिलहाल आप इसी उसमें काम करते हैं? काम करते हैं। क्या क्या बनता है यहाँ पर? डब्बी, दवाई की डब्बी बनता है। दवाई, दवाई की डब्बी, दवाई की डब्बी बनती है और दवाई भी बनता है, दवाई भी बनता है। तो आप देख सकते हैं धुएं का गुबार है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो आग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो इसके अंदर मटेरियल है वो जो आग पकड़ने का मटेरियल है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप देख सकते हैं आग की तस्वीरें और हम आपको नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पटाखों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि अंदर जो मटेरियल है, जो सामान है, वो आग को जल्दी पकड़ लेने वाला सामान है। और आप देख सकते हैं लगातार मटेरियल में जो आग है वो लगती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल का सेक्टर 3 का ये इलाका है और जो आग लगी है वो करनाल में सेक्टर 3 के इलाके में लगी है और लगातार आग को बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड के कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए और आग जो है उस पर कंट्रोल किया जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आग लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों का सामान बनता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। रबड़ वगैरह जो है, प्रिंटिंग वगैरह वो होती है, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है, जो कर्मचारियों से पता चला है। और फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं और नीचे भी तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और
जैसे ही आग लगती है सभी कर्मचारी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। धुएं का गुबार आपको दूर तक नजर आ रहा होगा क्योंकि आग लगातार बढ़ रही है। किस चीज की कंपनी है यहाँ पर? प्रिंटिंग की फैक्ट्री है भैया, प्रिंटिंग की जो फॉइल पेपर होता है ना दवाइयों के पैकिंग के पीछे लगता है, ये उस चीज की फैक्ट्री है। हम पीछे काम चल रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हम तो पीछे से देखा, हमने आग लग रही है उसको देख के आया यहाँ पे। कितने बजे आग लगी कर्मचारी? ये अभी आधे पौने घंटे पुरानी बात है। हाँ जी, कर्मचारी यहीं थे? अब तो निकल गए हैं सारे, उस टाइम तो होंगे, अब तो सारे निकल गए हैं। तो आग लगातार बढ़ रही है? बढ़ रही है जी काफी, क्योंकि सामान आग वाला ही है। ये फॉइल का सामान है जी, आग पकड़ता है जल्दी। फॉइल पेपर का सामान है जो जल्दी आग पकड़ता है और इसी के चलते लगातार आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरे हरकत में आ गए हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। धुएं का गुबार आपको दूर तक आसमान में नजर आ रहा होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक यहां पर पहुंच रही हैं और जिससे आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन जो मटेरियल है, जो अंदर सामान रखा हुआ है, वो आग जल्दी पकड़ लेता है। फॉइल पेपर वगैरह है, पैकिंग वगैरह यहाँ पर होती है, प्रिंटिंग वगैरह यहाँ पर होती है। आप यहीं काम करते हैं? यहाँ का डिजाइनर। अच्छा, कैसे आग लगी क्या पता चला? पता नहीं जी, हम ऑफिस में काम कर रहे थे तो बंदा को वेल्डिंग वेल्डिंग पता नहीं क्या हो रहा था, हम ऑफिस में थे, हमको पता नहीं लगा। हमको तो एकदम ऐसा लगा कि सर हमारे भागे गए थे वहाँ से ऑफिस से, तो हमको भी बताया सर भागे जा रहे हैं वहाँ से निकल के ऑफिस से। तब हम ऊपर से निकल गए ऑफिस अंदर से, तब पता लगा आग धूम हो रही थी। हम भी बच गए भगवान कृपा, सारे मतलब सारे बच गए हम लोग वहाँ। कंपनी का नाम क्या है? इजो पैक है जी। इंडो पैक? इजो पैक, इजो पैक, इजो पैक, इंडो पैक, इजो पैक, इजेडो की ये सीट है। अच्छा, इजो पैक। हाँ जी। और किस चीज की कंपनी है ये? पैकिंग की कंपनी है जी, डब्बे डुब्बे होती है जैसे दवाई वो कंपनी होती है वो, और खोड़ का काम है जो पत्ते टैबलेट वगैरह का उसकी वो होता है पैकिंग। हाँ जी हाँ जी। इजो पैक, इजो पैक, सेक्टर 3 पड़ता है ये, सर्दी फर्स्ट 2। तो आप देख सकते हैं कि आग लगने के कारण क्या है वो अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखिए, आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड जो लगातार प्रयास कर रही है, बकायदा उस फोम को भी इसमें डाला गया है पानी के अंदर जिससे आग पर काबू पाया जा सके। और आग लगातार बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इजो पैक कंपनी का फैक्ट्री का नाम बताया जा रहा है। प्रिंटिंग यहां पर होती है, दवाइयों के जो डिब्बे बनते हैं उन पर प्रिंटिंग यहां पर होती है। और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एक के बाद एक यहां पर पहुँच रहे हैं, गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो इजो पैक फैक्ट्री है उसमें आग लग जाती है, उसके ऊपर वाले फ्लोर में आग लग जाती है और जो ढेर सारे कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे वो कर्मचारी भाग दौड़ में एकदम। कोई कर्मचारी भैया घायल वगैरह तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुई? हाँ, अभी पता नहीं लगेगा, पता लगेगा बाद में जब आग बुझ जाएगा। कितने कर्मचारी काम करते हैं? 100+ हैं। 100+। तो आग लगी कैसे भैया? आग ये पता नहीं जी, हम बता नहीं सकते, हम तो ऑफिस में काम करने वाले, हमें तो ऑफिस में पता नहीं लगता ना, लेबर वाले बंदे के अंदर। तो एक साथ में हमारे सर भाग जा रहे थे वहाँ से निकल के अपने ऑफिस से, तो हमारे एक डिजाइनर था उसने बताया सर भाग जा रहे वहाँ से, तो हमका पता लगा ना काफी का, एक साथ जैसे हम निकले एक साथ आके थोड़ा सा मन निकला हमारी तरफ, तब हम भाग निकले वहाँ से। ऊपर वाले फ्लोर पर कितने लोग थे तकरीबन? कुछ तकरीबन है 50। क्या काम होता है सर यहाँ पर? पैकिंग का काम है जी, डब्बियों का पैकिंग नीचे होती है, उसमें ऊपर खोल का काम होता है। तो फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है? हाँ जी, फायर ब्रिगेड 3 दिन आ गई, 200 तो कम काम ही हो रहा है, 3 दिन फायर ब्रिगेड ही आ गई। इजो पैक कंपनी का नाम? हाँ जी, वो बंदा घायल भी हमारा हो जा रहा है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई है और 2 से 3 लोग जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। बड़ी ही फुर्तीली के साथ यहाँ पर काम हो रहा है।
सभी टीम कोशिश कर रहे हैं बचाव कार्य में शामिल होने की, और बचाव कार्य जोरों पर यहां पर चल रहा है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और ईजो पैक कंपनी का नाम बताया जा रहा है। पैकिंग इस कंपनी में होती है, जो दवाइयों की पैकिंग होती है, जो डिब्बे होते हैं उसमें जो फॉयल पेपर इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर रखा हुआ था। ऊपर के फ्लोर पर 40 से 50 लोग काम करते हैं बताया जा रहा है, और उस दौरान काफ़ी लोग जो है वहाँ पर थे, और एक के बाद एक जो कर्मचारी हैं वो यहाँ दौड़ते हुए नज़र आए, भागते हुए नज़र आए, और आग पर अब काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर आग लग जाती है, करनाल का सेक्टर 3 का इलाका, फेज 2 का इलाका, जहां पर एक पैकिंग की कंपनी है, जहां पर दवाइयां जो डिब्बे में पैक की जाती हैं और उन पर प्रिंटिंग की जाती है, फॉयल पेपर यहां पर पड़ा था। आग ज्वलनशील जो पदार्थ रहते हैं वो इस फैक्ट्री में पड़े थे, जिसके बाद आग और ज़्यादा भड़क जाती है। आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। 100 से 150 कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम करते हैं, 50 जो कर्मचारी हैं ऊपर वाले फ्लोर पर थे, एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की जो कर्मचारी हैं गाड़ियां लेकर यहां पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 3 से, जहां पर आप देखते हैं कि एक फैक्ट्री में जो है भयंकर आग लग जाती है। आग किन कारणों से लगी है वो जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जरूर है। काफ़ी भयंकर आग जो है काफ़ी दूर से ही देखी जा सकती थी। लगातार दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, वो मौके पर जो है पहुंचकर आग पर जो है काबू पाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। दवाइयों की फैक्ट्री बताई जा रही है, पैकिंग का यहाँ पर जो है कार्य किया जाता है, लेकिन अचानक से जो है प्राथमिक तौर पर जो है जानकारी जो मिल पाई है कि अचानक से जो है शॉर्ट सर्किट के कारण जो है फैक्ट्री में आग लग जाती है, लेकिन काफ़ी आग जो है भयंकर जरूर थी और उसके बाद आग पर जो है अब तक काबू नहीं पाया गया। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है काबू पाया जा सके, लेकिन कर्मचारियाँ जो है लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है आग पर काबू पाया जा सके। दमकल विभाग की एक के बाद एक गाड़ियाँ जो है वो मौके पर पहुँचती हुई नजर जुड़ आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो है काबू नहीं पाया गया। आग किन कारणों से लगी है वो भी जो है स्पष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी थे, 100 के आसपास जो है कर्मचारी बताए जा रहे हैं कि फैक्ट्री में जो है काम किया करते थे, वो जो है अचानक से आग लगने के बाद जो है बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आग जो है काफ़ी ज़्यादा भयंकर जो थी, कई किलोमीटर दूर तक जो है आग का गुब्बारा देखा जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद आसपास जो है तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनके कर्मचारी जो है अचानक से आ जाते हैं और राहत कार्य में जो लग जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है बताया जा रहा है कि इसमें घायल भी थे, क्योंकि एम्बुलेंस जो है कुछ लोगों को जो है लेकर जुड़ गई है। दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो है एक के बाद एक यहाँ पर मौके पर पहुंचती हुई नजर जुड़ा रही है, आग पर जो है काबू पाने का जो है प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन काफी भयंकर जो है केमिकल जो कि नुकसानदायक केमिकल थे वो जो है आग पर पकड़ लेते हैं, और उसके बाद आग पर जो है लगातार काबू करने की जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आसपास के जो तमाम लेबर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो भी जो अपनी अपने तरफ से जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है आग पर काबू पाने का जो है प्रयास किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद जो है आग काफी ज्यादा भयंकर है, जिसके कारण लगातार तमाम कर्मचारी हैं, तमाम दमकल विभाग के कर्मचारी हैं, आसपास की जो लेबर है वो भी जो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि आग पर जो है काबू पाने का जो है प्रयास किया जा सके, लेकिन यहाँ पर जो है आग काफ़ी ज़्यादा जो है भयंकर होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद पानी में जो है केमिकल डालकर जो है कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है काबू किया जा सके, आग पर जो है कोशिश की जा सके कि किसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है आग पर काबू किया जा सके, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर जो दमकल विभाग का जो पानी है वो खत्म हो गया था, और उसके बाद फैक्ट्री से जो है पानी लिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है केमिकल भी था, पानी के अंदर जो है केमिकल है जो आग पर जो है तुरंत काबू पाने में जो है प्रयास करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आग पर जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के तमाम फैक्ट्री वाले लेबर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो भी अपनी तरफ से जो है संभव प्रयास कर रहे हैं कि आग पर जो है तुरंत काबू पाया जा सके, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, आग पर जो है काबू अभी तक जो है नहीं पाया गया, लेकिन लगातार जो है प्रयास जारी है, कोशिश जारी है कि किसी तरीके से जो है आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन धुएं का गुब्बारा आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर तक जो है देखा जा सकता है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है किसी तरीके से काबू पाया जा सके। दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आग पर जो अभी तक कोई भी जो है काबू नहीं पाया गया है। कुछ कर्मचारी जो यहाँ पर काम भी कर रहे थे उस वक्त उनको भी जो है तुरंत आनन फानन में जो है बाहर जोर निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद जो है 50 से 60 कर्मचारी जो है ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर जो है
काम कर रहे थे उनको जो है किस तरीके से तुरंत जो है बाहर निकाला गया। तमाम कर्मचारी जो है आसपास के फैक्ट्री में जो काम करते थे लेबर, वो भी जो है तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और एक के बाद एक जो दमकल विभाग की गाड़ी है उनको जो है मौके पर बुला लिया गया। आग पर जो है तुरंत काबू पाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन काफी गाड़ियां जो है यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, उसके बावजूद जो एक के बाद एक गाड़ियों को जो यहाँ पर बुलाया जा रहा है। कर्मचारी देखते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है कोशिश कर रही है कि आग पर जो तुरंत काबू पाया जा सके, लेकिन आग जो है काफी ज्यादा भयंकर है। आग जो है काफी ज्यादा लगी, जो धुएं का गुबार जो है कई किलोमीटर दूर तक जो है देखा जा सकता था, और पानी के अंदर जो है केमिकल डाला जा रहा है ताकि आग पर जो तुरंत काबू पाया जा सके, क्योंकि आग जो है काफी ज्यादा भयंकर थी। 100 के करीब जो है कर्मचारी फैक्ट्री में काम करते थे और उसके बाद जो है सभी को जो है एक एक कर बाहर निकाला गया। हालांकि कोई जान माल का जो है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सामान का जो है काफी ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि आग जो है कई दूर किलोमीटर तक जो है आग का गुबार जो है भारी देखा जुड़ जा सकता था, और उसके बाद दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां जो है एक के बाद यहां पर जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है। दवाइयों की फैक्ट्री जो है बताया जा रहा है कि यहां पर जो है केमिकल की जो है पैकिंग की जाती थी और उसके बाद एकदम से जो है वो आग पकड़ लेती है, और आग किन कारणों से लगी अब तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो है ये पता चल पाया कि शायद जो है किन्हीं कारणों से जो है शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आग पर जो है काबू पाने का जो है प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो साथ में दूसरी फैक्ट्रियां हैं उनके भी कर्मचारी जो है तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं ताकि आग पर जो है काबू पाया जा सके, उन कर्मचारियों को जो है बाहर निकाला जा सके। कर्मचारी भी थे अंदर? हाँ जी हाँ जी। कितने कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं? ऊपर तो ऐसे थे कोई 40 के करीब। सुरक्षित है सभी? हाँ ठीक है सर। किस चीज की फैक्ट्री थी और आग कैसे लगी? प्रिंटिंग प्रेस है। इसमें दवाइयों की वो बनते हैं, खोखे डिब्बी बनती है, खोल ऊपर खोल का प्लांट है, खोल बनती है। आग का तो नहीं चल पाया, वो तो बाद में चलेगा, कैसे लाइट की सल्ट कैसे हुआ है, कैसे हुआ है वो तो बाद में पता लगेगा। कितनी देर होगी आग का लगे? हो गया आग कौन घंटे हो गया? अभी भी लगी हुई है? हाँ जी हाँ जी लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड वाले। कर्मचारी जो है अभी तक लगे हुए हैं आग पर जो है काबू पाने का जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो है काफी आग जो है भयंकर जुड़ थी, लेकिन अब तक जो है हर संभव प्रयास जो है कर्मचारी भी लगे हुए हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आग पर जो है काबू करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम आसपास की फैक्ट्री के लेबर हैं वो भी जो है मौके पर पहुंचकर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आग जो है काफी भयंकर जुड़ थी। केमिकल जो है अंदर फैक्ट्री के थे जिसके कारण जो है आग और फैल जाती है, आग और भड़क जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है तमाम कर्मचारी जो है वो मौके पर लगे हुए हैं, अभी भी जो है आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केमिकल होने के कारण जो है आग अभी तक जो है संभल नहीं पाई है। काफी दूर तक जो है धुएं का गुब्बार देखा जुड़ जा सकता था, और फिलहाल लगातार जो है पहले के मुकाबले जो है आग कुछ हद तक जो है कम जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है केमिकल होने के कारण जो है लगातार आग जो है पहले फैलती हुई नजर जुड़ रही थी, जिसके कारण जो है तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए थे, और किसी तरीके से जो है यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। 50 से 60 कर्मचारी जो है फर्स्ट फ्लोर पर जो है काम कर रहे थे, अचानक से जो है जैसे आग देखते हैं सभी कर्मचारी जो है तुरंत बाहर आने की कोशिश जरूर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आग पर जो है फिलहाल काबू पाने की जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम आसपास के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अब तक जो है किसी की भी जान माल की जो है कोई नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन देखते हैं कि सभी कर्मचारी जो है यहाँ पर पहुंचे जरूर हुए हैं। ऊपर जाने की हम कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि आग जो है काफी दूर तक जो है फैली हुई जरूर नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं कि तमाम कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से दमकल विभाग के कर्मचारी जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचे जरूर हुए हैं, और आग पर जो है काबू पाने की कोशिश जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। करनाल के सेक्टर 3 में जो एक फैक्ट्री है वहां पर जो है आग लग जाती है। आग जो है यहाँ पर किसी जो है बताया जा रहा है कि दवाइयों की फैक्ट्री थी, और उनमें जो है केमिकल या पैकिंग जो है यहाँ पर पैकिंग की जाती थी, जिसके बाद जो है एक केमिकल में जो है अचानक से कोई पदार्थ के कारण जो है आग फैलने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तमाम कर्मचारी जो है लगातार काफी ज्यादा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर थी, और उसके बाद काफी कर्मचारी लगभग 100 के करीब जो कर्मचारी हैं कुल यहाँ पर जो है काम किया करते थे, और उसके बाद तमाम कर्मचारी जो उस समय मौके पर मौजूद भी थे जब आग लग जाती है, और उसके बाद लगातार जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से जो है आग पर काबू जो है पाने की कोशिश की जा सके, लेकिन अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया। तमाम कर्मचारी जो है लगातार कोशिश करें कि किसी तरीके से जो है आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि आग जो है काफी भयंकर रूप ले लेती है, और उसके बाद काफी ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। आग क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जो है केमिकल है, देखते हैं कि अभी भी जो है फिलहाल आग काफी बुरी तरीके से जो है लगी जरूरी है, और उसके बाद कर्मचारी जो है वो लगे हुए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास जो है कर रहे हैं कि आग पर जो है किसी तरीके से काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक जो है सफल नहीं हो पाए, लेकिन काफी हद तक जो है आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि केमिकल है अंदर, आग जो है ज्यादा फैलने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। उसके बाद तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर लगातार कोशिश करें कि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। कैसे आग लगी हुई है ये इनको पता होगा जी,
आप यहीं पे? नहीं, ये बंदा ये कर रहा था ना उसमें काम, हमारे को तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा है बता रहे हैं। मतलब जैसे फैक्ट्री में कोई वेल्डिंग वगैरह कर रहे थे, तो उससे कोई शॉर्टकट हो गया, तो उससे इसके आगे लग गई, केमिकल था इसमें, थिनर वगैरह था, और थिनर वगैरह से इसको सारा दवाइयों की टेबलेट वगैरह बनती है ना। तो देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है किस तरीके से फैक्ट्री के नजदीक जाकर जो है आग पर काबू पाने की जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आग पर जो है काफी हद तक जो है काबू नहीं पाया गया। हमारी आप सभी से अपील की जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लगातार कर्मचारी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जो है किसी तरीके से काबू पाया जा सके, लेकिन देखते हैं कि ये फैक्ट्री के बिल्कुल नजदीक जाकर जो है कुछ कर्मचारी जो है आसपास के लेबर हैं वो भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जो है काबू पाया जा सके, लेकिन यहाँ पर जो है किसी तरीके के जो है कोई अभी तक जो है फिलहाल जान माल का जो है खतरा सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसे में जो है सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कर्मचारी जो है वो नजदीक जाकर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार जो है अपनी तरफ से जो है हर संभव प्रयास जो है करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से जो है आग पर जो है तुरंत काबू पाया जा सके। गेट पर मारो, गेट पर मारो, आगे 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 बढ़ाओ, आगे तो देख सकते हैं कि लगातार जो है आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आग जो है काफी ज्यादा भयंकर जो होती नुकसानदायक थी, और उसके बाद देखते हैं कि आग काफी भयंकर जो है रूप लेती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद ये देखते हैं कि कर्मचारी लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जो है तुरंत काबू पाया जा सके। हालांकि काफी जो है आग हद तक जो है बुझ भी गई है, लेकिन काफी जो है यहाँ पर केमिकल है, इसके कारण जो है आग काफी और ज्यादा जो है भयंकर रूप ले लेती है, और उसके बाद कुछ कर्मचारी जो है बिल्कुल नजदीक से जो है कोशिश करें कि आग पर जो है काबू पाया जा सके, लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारी जो है लगातार हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जो है आग पर लगातार जो है कोशिश करें कि काबू पाया जा सके। आग जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शायद किसी तरीके की जो है वेल्डिंग भी कर रहे थे, इसके कारण जो है आग और ज्यादा जो है बढ़ जाती है, और उसके बाद सभी कर्मचारी जो है एक एक कर बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो फिलहाल देख सकते हैं कि ये आग पर जो है तुरंत काबू पाने का जो है प्रयास करते हुए कर्मचारी नजर जुड़ा रहे, कर्मचारी को जो है फिलहाल पीछे किया जा रहा है, जो यहाँ पर जो लोग खड़े आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं उनको जो है हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर यहाँ पर किसी तरीके का कोई धमाका होता है, तो इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इन कर्मचारी को जो है फिलहाल अब पीछे किया जा रहा है, क्योंकि ये भी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं आग पर काबू पाने की, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसानदायक जरूर है, उनको जो है फिलहाल पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि कोई नुकसान जो है इनको भी ना हो सके, क्योंकि सुरक्षा पहले है, सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि कर्मचारी जो है बिल्कुल उसके पास जो है जाकर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर रहे हैं, लेकिन दूर से जो है केमिकल वाला पानी जो है दमकल विभाग के कर्मचारी वो डालते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आग पर जो तुरंत काबू पाया जा सके, लेकिन केमिकल होने के कारण जो है आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि केमिकल है किसी तरीके का, इसके कारण जो है आग और बढ़ जाती है, और उसके बाद लगातार कर्मचारी जो है कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जो तुरंत काबू पाया जा सके। देखो तो कर्मचारी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जो है काबू पाया जा सके तुरंत, लेकिन काफी जो है आग पूरी तरीके से जो है फैलती हुई नजर जरूर आती, क्योंकि कई किलोमीटर दूर तक जो है आग फैली जरूर थी, उसके बाद लगातार जो कर्मचारी है वो यहाँ पर जो कोशिश कर रहे थे कि आग पर जो है तुरंत काबू पाया जा सके, लेकिन काफी ज्यादा भयंकर होने के कारण जो है आग जो है आग का गुबार जो है काफी दूर तक देखा जा सकता था, लेकिन लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां जो है तमाम एक के बाद एक यहां पर मौके पर जो है पहुंचती हुई नजर जुड़ रही है, और उसके बाद आग पर जो है काबू पाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन आग काफी ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है। इसके बाद दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां जो एक के बाद एक यहां पर मौके पर पहुंची जरूर थी, और उसके बाद तमाम दमकल विभाग के कर्मचारी जो है कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जो है काबू पाया जा सके। आम कर्मचारी जो है वो लगे हुए एक के बाद एक जो है आग पर काबू पाने की, लेकिन आग जो है काफी ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है, और उसके बाद कोई जान माल का जो है किसी तरीके का कोई खतरा सामने नहीं आया है, और यहाँ पर जो है फिलहाल सभी कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जो है मौके पर पहुंचते हुए नजर जुड़ रहे हैं, और आग पर जो है तुरंत काबू पाने की जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम आसपास के जो लेबर है फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं वो भी जो है यहाँ पर नजदीक से जो है आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर जुड़ रहे हैं, लेकिन आग जो है काफी ज्यादा भयंकर रूप ले रही है, जिसके कारण जो है काफी मशक्कत हो रही है, काफी मुश्किल जरूर हो रही है कि आग पर जो है किसी तरीके से जो है काबू पाया जा सके, और उसके बाद तमाम जो लेबर है कर्मचारी हैं वो बिल्कुल नजदीक से जाकर जो है आग पर काबू पाने की
कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। केमिकल वाला पानी जो है छोड़ा जा रहा है ताकि आग पर जो तुरंत काबू पाया जा सके, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल दमकल विभाग के कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जो है तुरंत काबू पाया जा सके। आग किन कारणों से लगी है वो जो अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन पहले जो है बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट के कारण, क्योंकि वेल्डिंग का शायद जो है काम चल रहा था इसके कारण जो है शॉर्ट सर्किट के कारण जो है यहाँ पर आग लग जाती है, और उसके बाद तमाम दमकल विभाग के कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं कि आग पर जो है काबू पाया जा सके। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दवाइयों की जो फैक्ट्रियाँ बताई जा रही है यहाँ पर जो है किसी तरीके का जो केमिकल है उनकी पैकिंग की जाती थी, जिसके बाद जो है आग तुरंत जो है भयंकर रूप ले लेती है, और उसके बाद दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो तुरंत जो है मौके पर पहुंचकर लगातार हर संभव प्रयास जो है करते हुए नजर भी आ रहे, लेकिन आग जो है काफी ज्यादा भयंकर जरूर थी, इसके कारण जो है आग एक अलग रूप ले लेती है, क्योंकि धुएं का गुबार जो है कहीं किलोमीटर दूर तक जो है नजर जरूर आ रहा था। और उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं आग जो है काफी ज्यादा भयंकर जरूर थी, लेकिन काफी हद तक जो है अब को काबू पा लिया गया है, लेकिन आग जो है काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही थी। उसके बाद काफी हद तक जो है आग पर काबू भी पा लिया गया, और उसके बाद तमाम कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं देखते कि एक एक कर जो है कर्मचारी सभी जो है आग पर काबू पाते हुए नजर जुड़ रहे हैं। काफी हद तक जो है आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कुछ केमिकल ऐसे भी हैं जो ज्यादा आग पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उनके कारण जो है आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन काफी हद तक जो है संभव प्रयास करने के बाद जो है लगातार एक एक कर जो है तमाम गाड़ियां जो है दमकल विभाग की वो मौके पर पहुंच रही थी, और उसके बाद आग पर जो है काबू पाने का जो है संभव प्रयास यहां पर जो है कर्मचारी करते हुए नजर जुड़ रहे हैं, लेकिन काफी भयंकर केमिकल है। हालांकि सुरक्षा यहाँ पर जो इनको बरतनी जरूर चाहिए, क्योंकि कर्मचारी जो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं अगर कोई धमाका भी होता है तो इनकी सुरक्षा जो सबसे पहले जरूरी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद है देख सकते हैं यहाँ पर जो है कर्मचारी अंदर जाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि आग जो है अलग ही रूप ले लेती है, आग जो है केमिकल के कारण जो है वो यहाँ पर जो है बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। उसके बाद तमाम कर्मचारी जो है एक एक कर जो है यहाँ पर पोस्टर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन आग जो है केमिकल होने के कारण जो है एक अलग रूप ले लेती है, इसके कारण आग पर जो है काबू पाने की जो है प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील की जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जो है मौके पर पहुंचकर जो है कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक एक कर जो है तमाम दमकल विभाग की गाड़ियां जो देखते कि लगभग 6 से 7 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंच चुकी है अभी तक, लेकिन आग पर जो अभी तक तुरंत काबू नहीं पाया गया, क्योंकि आग जो है काफी ज्यादा भयंकर जरूर थी, और आग पर जो है तुरंत काबू पाने का जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन देखते हैं कि आग काफी भयंकर रूप ले लेती है, और उसके बाद अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया। हमारी आप सभी से अपील जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यहाँ पर जो है तमाम कर्मचारी फिलहाल मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन किसी को भी जो है आग का कारण जो है वो अभी तक नहीं पता चल पाया कि आग किन कारणों से लगी, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है फिलहाल वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसके बाद जो है वेल्डिंग काम चलने के कारण जो है आग लग जाती है, और उसके बाद यहाँ पर जो है फिलहाल आग फैल जाती है, और उसके बाद कुछ कर्मचारी जो अंदर काम कर रहे थे उनको जो है तुरंत बाहर निकाला जाता है ताकि किसी भी तरीके कोई जान माल का जो है कोई खतरा किसी तरह साथ ना हो, लेकिन 40 से 50 कर्मचारी जो उस समय मौके पर मौजूद भी थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन इस फैक्ट्री में जो कुल 90 से 100 कर्मचारी जो है काम किया करते थे, लेकिन सभी जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो हल्की फुल्की चोटें जरूर आई ऐसा बताया जा रहा है, उनको जो है फिलहाल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, और उसके बाद फैक्ट्री जो है यहाँ पर किसी तरीके से काफी ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है, सामान का काफी ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी के साथ जो है कोई जान माल का जो है खतरा है वो अभी तक जो है पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से जो है आग लगी है, लेकिन अब तक जो है प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिल पाई है कि यह शायद यहाँ पर जो है वेल्डिंग हो रही थी या शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लग जाती है, और उसके बाद तुरंत यहाँ के जो आसपास के तमाम लोग हैं वो भी जो है मौके पर पहुंचकर जो है आग पर काबू पाने की जो है कोशिश करते हुए नजर जुड़ा रहे हैं। अब हालांकि काफी हद तक जो है आग पर काबू पा लिया गया, और उसके बाद तमाम कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है आग पर काबू पाया जा सके, और ये कर्मचारी जो है किसी तरीके से अंदर जाने का जो है प्रयास करते हुए नजर भी आ रहे हैं ताकि आग पर जो है तुरंत काबू पाकर जो है बाहर आया जा सके, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है वो पहले ही जो है बाहर आ गए थे, लेकिन आग जो है काफी भयंकर रूप जो है धारण कर लेती, क्योंकि केमिकल था, केमिकल के कारण जो है काफी ज्यादा जो है आग लगने का जो खतरा है वो जरूर बढ़ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर लग जाते हैं, नीचे से भी जो है कोशिश जरूर करेंगे कि किसी तरीके से जो है आग पर काबू पाया जा सके। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। करनाल के सेक्टर 3 में फेज 2 का इलाका, यहाँ पर इजी पैक करके एक जो फैक्ट्री है वहां पर भयंकर आग लग जाती है। आग लगने का जो
प्राथमिक कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन आग किन कारणों से लगी कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आप देख सकते हैं एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं और उस केमिकल को डाला जा रहा है जिससे जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। फैक्ट्री के मालिक से हम या उनके जो अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, ऐसा प्राथमिक जो जानकारी है वो मिल रही है। लेकिन आग लगने के प्रमुख कारण क्या हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आप तो आप देख सकते हैं सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ा जाएगा और फिर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। आग किन कारणों से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कई कर्मचारी इसके अंदर थे लेकिन वक्त रहते वो कर्मचारी भी बाहर आ गए और जो केमिकल है जिससे जो ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं वो फैक्ट्री के अंदर थे जिसके कारण आग और ज़्यादा भड़क जाती है। पैकिंग का काम यहाँ पर होता है ऐसी जानकारी मिल रही है, दवाइयों की पैकिंग का काम यहाँ पर रहता है। इजो पैक करके जो है कंपनी का नाम बताया जा रहा है और फिलहाल कंपनी के कर्मचारी भी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी लगातार इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। फैक्ट्री के जो यहाँ के मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आग किन कारणों से लगी, कैसे आग लगी। या देख सकते हैं आप जो मटेरियल इस फैक्ट्री के अंदर रहता है, और आप फैक्ट्री से ही हैं, कैसे आग वगैरह लगी सर? पता नहीं। अच्छा, शॉर्ट सर्किट से? शॉर्ट सर्किट नहीं, कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट शॉर्ट हो गया। तो क्या यहाँ पर बनता है? गत्ते का काम, दवाइयाँ का काम, बहुत ज्यादा काम अंदर, मशीनरी बहुत, केमिकल बहुत ज्यादा था। कैसे आग लगी, क्या कुछ रहा, मतलब क्या पता चला था? अभी आग के कारणों का तो नहीं पता है, पर नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है अभी तक। जी जी जी। तो अभी फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बट एक बड़ा दुख का कारण है कि गाड़ियाँ सारी इकट्ठी लग जाती तब तक आग बुझ जाती, एक एक करके गाड़ियों पे पानी आ रहा है, इस वजह से बहुत देर हो गई आग लगे हुए और अभी तक आग बुझ नहीं रही है। अगर गाड़ियां 5-10 और इकट्ठी आ जाए, चारों तरफ से पानी डाल दें तो फटाफट आग बुझ जाएगी। किस चीज की कंपनी है? क्या पैकेजिंग बनाते हैं? पैकेजिंग होती है दवाइयों की? दवाइयों की फैक्ट्री। क्या नाम? दवाइयों की पैकेजिंग बनाते हैं। अच्छा, क्या नाम से? ईजो पैक के नाम से फैक्ट्री है। कोई कर्मचारी तो? कोई कर्मचारी घायल नहीं, सब ठीक। सब ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कर्मचारी हैं जो लगातार आग को बुझाने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, साथ ही साथ फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। ईजो पैक करके यहाँ पर कंपनी है जो दवाइयों की पैकेजिंग बनाते हैं यहाँ पर। राहत की बात यह है कि जो तमाम कर्मचारी हैं कंपनी के वो वक्त रहते बाहर आ जाते हैं और वो घायल नहीं होते। एक दो कर्मचारी घायल हुए हैं, उन्हें फर्स्ट एड भी दे दिया गया है, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी, उन्हें अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। लेकिन 1.5 घंटा हो चुका है, मशक्कत अभी भी जारी है, लेकिन आग पर काबू अभी भी नहीं पाया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।